स्वागत करते हैं आप सभी का महिंद्रागुरु.com के इस वीडियो सेशन में। आज हम यहां पर एसएससी सीजीएल के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल ने अभी अपने न्यू पैटर्न को अडॉप्ट किया है कि न्यू पैटर्न में क्या क्या चीजें आएंगी, तो उसमें हम यहाँ पर जीएस के विषय को लेकर संबंधित बात करेंगे कि जीएस में किसी विद्यार्थी को कैसे तैयारी करें और कहां कहां पर कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, इस बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो देखते हैं जीएस के, अगर हम पहले बात करते हैं, अगर ये 2016 के नोटिफिकेशन को आने से पहले सीजीएल के अगर पहले हम देखते हैं तो हमारा वहां लिखा रहता था जीएस के बारे में बातचीत होती थी, लेकिन यहां पर टाइटल दिया गया जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, जिसका अगर हिंदी में बात करते हैं तो सामान्य जागरूकता होता है। ज्यादातर विद्यार्थी इसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति में है कि क्या जीए आएगा, जीए मीन्स करंट अफेयर्स आएगा या बैंकिंग से रिलेटेड चीजें आएंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर हम स्पष्ट करना चाहेंगे जो सिलेबस दिया गया है उसमें करंट अफेयर्स की भी इंपॉर्टेंस है और साथ में उसके इंटरनेशनल एंड नेशनल इश्यूज को भी रखा गया है, स्पोर्ट्स का भी कुछ पार्ट रखा गया है। लेकिन जो आपकी ट्रेडिशनल चीजें हैं, जैसे हम देखते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें रखी गई है। तो इस न्यू पैटर्न के साथ में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो हमारी एसटी से सिलेक्टेड है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। इन सारी चीजों को अपडेट रहने के लिए एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए हम आपके लिए बहुत सारी चीजें लाते रहेंगे। तो हमारा महिंद्रा गुरु का यूट्यूब चैनल महिंद्रागुरु.com आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ ही हम शुरू करते हैं कि हमारा पहला प्रश्न इस एसटी से क्या लिया गया है। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया गया है एलिजा टेस्ट। एक एलिजा टेस्ट है, लिखा हुआ एलिजा टेस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी ये एलिजा टेस्ट क्या है। ये एलिजा टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि एचआईवी पेशेंट अपना एचआईवी वायरस उसके अंदर है या नहीं है इसलिए कराया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। ये एचआईवी टेस्ट ये किया जाता है कि उस किसी भी पेशेंट के अंदर एचआईवी वायरस है या नहीं इसकी जांच करता है, यानी कि एचआईवी एलिजा टेस्ट से संबंधित है। जिसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, एड्स। अब यहां पर आप लोग और चार ऑप्शंस और भी तीन ऑप्शंस हैं इसके अलावा, सही उत्तर के अलावा जो आप देख सकते हैं, दिया गया है मधुमेह यानी कि डायबिटीज, फिर दिया गया है ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी जिसको हम लोग जानते हैं, फिर देख सकते हैं सिफिलिस। ये भी बहुत सारी चीजें जो दी गई हैं बीमारियां। अब इसमें से अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स हमारा किससे होता है, एक वायरस डिजीज है यानी कि यह विषाणु से फैलती है। अगर हम ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी की बात करें जिसको हिंदी में तपेदिक कहते हैं, तो यह बैक्टीरियल डिजीज यानी कि जीवाणु के माध्यम से यह फैलती है। इसी तरीके से सिफिलिस अगर बीमारी की बात करते हैं तो सिफिलिस बीमारी इंटरनल ऑर्गन्स में होती है, तो यह भी हमारी एक जीवाणु से संबंधित बीमारी है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, एड्स यानी कि एचआईवी से संबंधित है एलिजा टेस्ट। तो इससे और भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में पूछा जा सकता है किस से संबंधित है, तो आपका सही उत्तर होगा जीवाणु से। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सिफिलिस किससे संबंधित है, तो सिफिलिस हो जाता है इंटरनल ऑर्गन से और यह भी हमारा जीवाणु से ही संबंधित होगी। तो हम देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। अभी हम दूसरे प्रश्न के ऊपर जाते हैं तो देखते हैं दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें मैचिंग के लिए पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है यानी कि कौन सा मिसमैच है। इसमें आप देख सकते हैं कि दिए गए हैं कुछ विशाखापत्तनम, चितरंजन, भद्रावती और पिंजौर, कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए हैं और उन प्लेसेस में क्या क्या चीजें होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो हमको यह पता करना है कि कौन सा इसमें से जोड़ा जो है वो मिलान नहीं है यानी कि मिलता नहीं है। तो देखिए पहला विशाखापत्तनम दिया गया है जहाज निर्माण से, दूसरा दिया गया चितरंजन रेलवे उपकरण यानी कि रेलवे इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ है, तीसरा आप देख सकते हो भद्रावती आयरन एंड स्टील, फिर हमारा दिया हुआ पिंजौर मशीन उपकरण। अब इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम सही उत्तर में जाते हैं तो सही उत्तर को बारीकी से यहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं कि चितरंजन में तो रेलवे के इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, लेकिन यह बात सही नहीं है। चितरंजन में लोकोमोटिव वर्क्स है यानी कि इंजन का निर्माण किया जाता है, इसलिए यहां पर इक्विपमेंट की बात गलत हो जाएगी, इसलिए यह जोड़ा हमारा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी।
यानी कि इसमें सही जोड़ा हमारा क्या है, जो उत्तर सही अगर हम बात करेंगे तो उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि यहां पर लोकोमोटिव बस यानी कि इंजन बनाए जाते हैं। अब इसमें अगर हम अन्य ऑप्शंस के ऊपर अन्य विकल्पों पर चर्चा करते हैं तो आप देख सकते हैं विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम में जहाज निर्माण किया जाता है और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का एक पत्तन भी है, तो यहां से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि विशाखापत्तनम कहां स्थित है। फिर आप देख सकते हो भद्रावती बहुत महत्वपूर्ण है, भद्रावती है कहां, अगर आपके सामने यह प्रश्न आ जाए कि भद्रावती कहां है तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। कहां है? और एक और विशेषता है भद्रावती की, आयरन स्टील फैक्ट्री भद्रावती में है, किसके नाम से है, तो हमारा आंसर होगा विश्वश्रेया, विश्वश्रेया आयरन फैक्ट्री है कहां, भद्रावती कर्नाटका में। अब अगर डी के विकल्प की चर्चा करें तो डी विकल्प आप देख सकते हो कि पिंजौर दिया गया है। अब अगर हम पिंजौर की बात करते हैं तो पिंजौर हरियाणा में है, और हरियाणा में कहां है, बेसिकली पंचकुला में पड़ता है, चंडीगढ़ के पास में पंचकुला जिला है इसका। और यहां पर क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स की फैक्ट्री है। तो ये सारे प्रश्न आपके SSC CGL में संभावित रूप से पूछे जा सकते हैं। इधर सारे स्टूडेंट्स जो भी एस्पायरेंट्स हैं वो ध्यान देंगे। यहां पर देख सकते हो विशाखापत्तनम में जहाज निर्माण है, चितरंजन में लोकोमोटिव फैक्ट्री है, इसलिए जोड़ा गलत यहां पर दिया गया है। भद्रावती की बात करें, विश्वश्रेया स्टील प्लांट है वहां पर, कहां पर है भद्रावती, कर्नाटक में। अगर हम पिंजौर की बात करते हैं तो पिंजौर हमारा हरियाणा में है, पंचकुला में। यहां पर क्या है, यहां पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स की फैक्ट्री है। तो यानी कि ये संभावित प्रश्न आपके SSC में पूछे जा सकते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं कि इसका अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद ये कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल है। अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की अगर हम बात करते हैं, आप सबसे पहले यह जाने कि यह किस आर्टिकल में है, यानी कि आपका प्रश्न यहीं से बन सकता है कि इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतरराज्यीय परिषद किस कॉन्स्टिट्यूशन या किस कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका आर्टिकल क्या है हमारा, 263 यानी कि 263। अब यह इंटर स्टेट काउंसिल किसके द्वारा गठित की जाती है, यहां पर सही उत्तर होगा हमारा अनुच्छेद 63 में यह दिया गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 263 के अनुसार किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, इसके निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी, राज्य और केंद्र के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण किया गया। इसमें प्रधानमंत्री और उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री और प्रशासक भी शामिल होते हैं। एक वर्ष में 3 बार इसकी बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। यदि प्रधानमंत्री नहीं है तो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कोई सीनियर या कोई कैबिनेट मंत्री इसका अध्यक्षता मीटिंग की करेगा। तो अंतरराज्यीय परिषद से आप देख सकते हो यदि प्रश्न यह पूछा जाए कि इसका निर्माण कौन करता है, तो हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, कौन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। और इसके यदि अन्य हम विकल्पों के ऊपर चर्चा करते हैं तो अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण भारत का प्रधानमंत्री नहीं करता है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं कि मनमोहन सिंह कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था। तो यानी कि नंबर आप जो प्रधानमंत्रियों की सीरीज है आपको वहां से तैयारी करनी चाहिए, उनके नंबर याद होने चाहिए। संघीय मंत्रिमंडल, संघीय मंत्रिमंडल से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहां से एक प्रश्न बहुत बना है, ये एक बार पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है। पूरे अगर हम संविधान की बात करते हैं तो हर जगह संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, लेकिन अगर कैबिनेट के बारे में पूछा जाए तो कैबिनेट का उल्लेख केवल अनुच्छेद 352। ध्यान देंगे इधर कि अनुच्छेद 352 में केवल एकमात्र एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें कैबिनेट शब्द का उल्लेख दिया गया है और जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट की
लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा। यानी कि यहां से भी बहुत सारे विकल्पों से संबंधित प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आप ये सारे प्रश्न नोट कर सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण करेगा और भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका संघीय मंत्रिमंडल में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है कई बार केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय सिविल सेवा, ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है और हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर गवर्नर जनरल के बारे में दिया गया है और पूछा गया है कि किसको सिविल सेवा आरंभ किया या सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि कई गवर्नर जनरल के नाम दिए गए हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये चार नाम है। इन चारों के द्वारा कुछ ना कुछ किया गया है, इनके अचीवमेंट्स हैं। गवर्नर जनरल से प्रश्न निश्चित रूप से आता है और वहां पर उनके अचीवमेंट्स पूछे जाते हैं कि इन्होंने क्या किया है। तो देखते हैं, अगर हम प्रश्न के अनुसार बात करेंगे तो कहा जाता है कि भारत में सिविल सेवा का अगर जनक के बारे में बात की जाएगी तो सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो प्रश्न के अनुसार हमारा सही उत्तर क्या होगा? बी। अगर हम इसके अन्य विकल्पों के ऊपर चर्चा करते हैं तो जो आपके एसएससी सीजीएल में 2016 में प्रश्न बन सकते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वॉरेन हेस्टिंग्स जिसने कि द्वैध शासन समाप्त किया, कब? 1772 में इसने द्वैध शासन समाप्त किया। तो एक प्रश्न आपका बनाया जा सकता है कि द्वैध शासन की समाप्ति किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका सही उत्तर होगा। अब अगर हम तीसरे विकल्प के ऊपर चर्चा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, लॉर्ड वेलेजली। अगर लॉर्ड वेलेजली की बात करते हैं तो लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, कई बार पूछा गया, ध्यान देंगे इधर सब कि सहायक संधि किसने लगाई, सहायक संधि के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा लॉर्ड वेलेजली। अब यदि हम इसके अंतिम विकल्प के ऊपर चर्चा करते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक से भी प्रश्न पूछा गया सती प्रथा का अंत करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो हम बात करते हैं 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक की। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न के माध्यम से बहुत सारे आपके जो सीजीएल 2016 में प्रश्न आ सकते हैं उनके ऊपर बात करें तो देखिए यहां पर क्रक्स में वॉरेन हेस्टिंग्स, आपने अभी देखा 1772 में क्या किया, आपने देखा लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवा का जनक, आपने देखा कि लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, आपने देखा लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत किया। यानी कि ये आपके संभावित प्रश्न सीजीएल 2016 में बन सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश के द्वारा नेपोलियन ने अपने अंतिम 6 वर्ष एक द्वीप पर एक कारावास के रूप में व्यतीत किए, तो वह द्वीप कौन सा था? यह बहुत बढ़िया प्रश्न है, बेसिकली ये फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड प्रश्न है। अब यहां पर हम बात करेंगे नेपोलियन की, तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन ऑप्शंस में आप देख सकते हो एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है, विकल्प दिया गया है कोर्सिका। ये हमारा सही उत्तर नहीं है इस प्रश्न का, लेकिन नेपोलियन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। दूसरा, अगर प्रश्न के उत्तर की बात करें तो सेंट हेलेना में नेपोलियन ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष व्यतीत किए है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा, नेपोलियन बोनापार्टा जिसको कि आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता भी कहा जाता है, इसे क्या हुआ कि मित्र राष्ट्रों ने, जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने वाटरलू के युद्ध में, किस युद्ध में, यहां ध्यान देंगे नाम है वाटरलू, पूछा गया क्या है वाटरलू, कब हुआ? 1815 में, जिसमें मित्र राष्ट्रों के द्वारा नेपोलियन पराजित हुआ। और नेपोलियन जब पराजित हुआ तो नेपोलियन को कैद करके कहां रखा गया? कहां रखा गया? जो सही उत्तर है इस प्रश्न का, सेंट हेलेना द्वीप में उसको रखा गया और वहीं पर 1821 में इसकी मृत्यु हो गई। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सेंट हेलेना, लेकिन हमको वाटरलू युद्ध याद जानना बहुत जरूरी है,
कि किस युद्ध के दौरान उसको अरेस्ट किया गया और कारावास के दौरान उसकी मृत्यु हुई तो वो युद्ध हो जाएगा वाटरलू युद्ध। अब इसके अगर प्रथम विकल्प की बात करते हैं जो मैंने कहा था कि बहुत महत्वपूर्ण है, अगर प्रथम विकल्प की बात करेंगे तो आप देख सकते हो कोर्सिका, कोर्सिका में नेपोलियन का जन्म हुआ, कोर्सिका की राजधानी अलिसिया, अलिसिया में इसका जन्म हुआ है। तो आप देख सकते हो कि नेपोलियन से संबंधित यह भी प्रश्न बनाया जा सकता है। फिलहाल अगर हम इसके इस प्रश्न से संबंधित जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं सीजीएल में, अगर उनके ऊपर बात करें तो महत्वपूर्ण वाटरलू का प्रश्न बन सकता है, कोर्सिका से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो यानी कि आप इन प्रश्नों के लिए भी तैयार रहें कि ताकि आपके एग्जाम में यह प्रश्न गलत ना हो पाए। तो हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है। अब न्यूटन, सबसे पहले यह जान लें कि न्यूटन ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था? प्रिंसिपिया। यही प्रश्न पूछा जा सकता है। आप देखिए यहां पर प्रिंसिपिया, कौन सी किताब है? प्रिंसिपिया। और इसी प्रिंसिपिया किताब में ही उसने तीन नियम, गति विषयक नियम, न्यूटन्स लॉ के नाम से जाने जाते हैं, गति विषयक नियम इसी पुस्तक में संकलित किए। तो यानी यह प्रश्न बन सकता है कि किस पुस्तक में उसने अपने गति विषयक नियम दिए। तीन नियम दिए थे, वो प्रिंसिपिया पुस्तक में दिए थे। और यहां पर आप बात की गई है प्रथम नियम के बारे में कि प्रथम नियम क्या है, तो हम देख सकते हैं इसका सही उत्तर है जड़त्व। अब प्रथम नियम होता क्या है? ज्यादातर एग्जाम में प्रथम नियम या तृतीय नियम के बारे में चर्चा की जाती है। जो इसका तृतीय नियम है बहुत प्रचलित है, पूछा गया है क्रिया के समान परंतु विपरीत दिशाएं प्रतिक्रिया होती है। जैसे अगर बंदूक चलाते हैं तो बंदूक की गोली जितनी तेजी से निकलती है बाहर, उतनी तेजी से झटका बंदूक चलाने वाले को भी लगता है। यह क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हो रही है। अब अगर हम इसके प्रथम नियम की बात करें तो इसका जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं। अब इसको जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं? जड़त्व का नियम इसको इसलिए कहा जाता है, इसका एक और भी नाम है गैलीलियो का नियम भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई बस, ट्रक या कोई भी आपका वाहन स्थिर है, अचानक अगर चलेगा तो उसको धक्का लगेगा और यात्री उसमें बैठा हुआ पीछे की तरफ झुकेगा। यह भी क्या हो गया? जड़त्व, यानी कि स्थिरता। जब तक क्या कहा गया है इसमें, वह वस्तु तब तक स्थिर रहेगी, कोई भी वस्तु, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। यानी कि वह उस अगर किसी दिशा में एक समान गति से गति कर रही है तो वह तब तक परिवर्तित नहीं होगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। यानी कि जड़त्व का नियम क्या कहलाता है? इसीलिए कहा जाता है जड़त्व। अगर इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कि बस में जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगा, यात्री आगे की तरफ झुक गया, तो क्यों? कारण क्या है? स्थिरता आ गई, यानी कि जड़त्व आ गया। यह इसीलिए कहा जाता है जड़त्व का नियम। यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। लेकिन मैंने यहां पर तीसरे नियम की भी चर्चा की जो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, क्रिया के समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। बट जड़त्व नियम की बात करते हैं तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यानी कि यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से संबंधित है, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर आप गौर करेंगे तो वहां पे दिया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहां पे कंप्यूटर से संबंधित है, टेक्निक से संबंधित है कि 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है। अब सबसे पहले तो हमको एक चीज बहुत जानना होगा, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अगर यूनिट की बात करें कंप्यूटर की, बिट। फिर हमारा आता है निबल। फिर हमारा आता है बाइट। फिर किलोबाइट। यानी कि यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपसे जो भी कमीशन है रिक्वायरमेंट कर दे कि भाई इसमें से कौन सा सबसे छोटा है, सबसे छोटी यूनिट तो कई बार पूछा गया है। अब आपसे पूछा जाए, सीक्वेंस पूछ दिया जाए कि कौन से यूनिट का सही सीक्वेंस है इसमें यूनिट का, तो आप ये यहां पर याद जरूर रख सकते हैं।
लेकिन अगर यहाँ पर ये पूछा गया है आपका जो प्रश्न है उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 1 किलोबाइट पूछा गया है कितने बाइट के बराबर होता है, तो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। यहां पर हम बात करेंगे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। क्या सही उत्तर होगा? बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बी, यानी कि 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। लेकिन कंप्यूटर से प्रश्न निश्चित रूप से आता है क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो बहुत सारे ऐसे संभावित प्रश्न बन सकते हैं कंप्यूटर से, तो तैयार रहे विद्यार्थी, कंप्यूटर से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कंप्यूटर की हिस्ट्री से भी कंप्यूटर के फादर कौन है, सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, कौन सी इनपुट यूनिट है, कौन सी आउटपुट यूनिट है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो तैयार रहिएगा कि विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के बात करते हैं। यहां पर कुछ वेक्टर क्वांटिटीज या स्केलर क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज होती हैं, सदिश राशियां एवं अदिश राशियां। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करें अदिश राशि के बारे में बात करते हैं। अगर आपसे बात किया जाए अदिश राशि क्या होती है, अदिश राशियां ऐसी राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की, दिशा की आवश्यकता इसमें नहीं है। ध्यान देंगे इधर, दिशा की आवश्यकता नहीं है। अगर हम यही सदिश राशि की बात करते हैं, अगर सदिश राशि की बात की तो सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये सदिश राशि और अदिश राशि की परिभाषा है। एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से फिजिक्स विषय से, भौतिकी विषय से संबंधित प्रश्न है जो आपके सामान्य विज्ञान का भाग है, यहां से निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी राशि सदिश राशि है और कौन सी राशि अदिश राशि है। तो अगर विकल्पों के ऊपर चर्चा करते हैं तो दिया गया है कि कौन सी सदिश राशि यहां पर है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बे। और भी बहुत सारी सदिश राशियां पूछी गई हैं। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है। ये सारी सदिश राशियां हैं। क्यों हैं? क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम बात करें चाल की, समय की, ये सब हमारी राशियां कैसी है? ये सब अदिश राशियां हैं, क्योंकि यहां पर केवल परिमाण की रिक्वायरमेंट होती है, केवल परिमाण की जरूरत होती है। तो इसलिए यहां से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको एक यूनिट दी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि ये सदिश है या अदिश है, या ये भी पूछा जा सकता है कि किस राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, या किस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो यानी कि यहां से प्रश्न आपके संभावित बन सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये किस विषय से संबंधित है? ये भी विज्ञान विषय से संबंधित है और बॉटनी पार्ट यानी कि वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। दिया गया है पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, बेसिकली जो कॉफी के बीज होते हैं उनको बोला जाता है कॉफी बीन्स। क्या बोला जाता है? कॉफी बीन्स। ये कॉफी बीन्स कहा जाता है, सीड्स होते हैं बट बीन्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं और ये डिफरेंट कॉफी बेवरेजेस बनाने के काम में आते हैं। तो इसलिए अगर आपसे पूछा गया कि कहां से कॉफी प्राप्त होता है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सीड्स यानी कि बीज। अगर यहां पर बीन्स दिया हो, सीड्स ना हो ऑप्शन में, तो आपका हो सकता है आंसर बीन्स हो। लेकिन चूंकि मूलतः यहां पर बात की गई है सीड ऑप्शन में अवेलेबल है, तो हम बात करेंगे सीड की और यहीं से ये क्या होता है, कॉफी प्राप्त होती है। तो सही उत्तर हमारा क्या है, सी। अब हम देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न और अगला प्रश्न क्या है। आप देख सकते हो यहां पर दिया गया है वायुमंडल से संबंधित जिस भाग द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं, तो ये कह रहा है कि कौन सा भाग है पौधे का जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। हम जानते हैं कि वातावरण में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पौधे ग्रहण करते हैं,
और ऑक्सीजन हमको देते हैं, ये सभी लोग सामान्यता जानते हैं, अक्सर हम लोगों ने ये पढ़ा भी है। तो इसमें अगर हम बात करें कि कौन सा पौधा का भाग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने वाला भाग है लीफ। अगर प्रश्न ये बने कि पौधे का कौन सा भाग जल ग्रहण करता है, अगर जल ग्रहण करने की बात होगी तो जल ग्रहण करने में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तना। तो यानी कि आपने यहां पर ये वनस्पति विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखा जो आपके लिए सीजीएल 2016 के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमने जितने भी प्रश्न आपके सामने यहां पर रखे वो और उससे संबंधित, इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं उनको आप जरूर नोट डाउन करें, उन पर गौर करें, क्योंकि यह आपके संभावित सीजीएल 2016 में निश्चित रूप से आने की संभावना बनती है। तो यानी कि आपके लिए ये सारे प्रश्न बहुत उपयोगी हैं। अब हमारा महिंद्रा गुरु का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा महिंद्रा गुरु का एंड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड करिए। अगर आप महिंद्रा गुरु का ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप बहुत सारी अपडेटेड चीजें यहां से प्राप्त कर सकते हैं जो आपके लिए सीजीएल 2016 को पास कराने में बहुत सहायक भूमिका के रूप में रहेंगी, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।